अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल ड्रीमलैंड से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रियाज। अगर आपका नाम रियाज है या अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बेटे से नवाजा है और आप उसका नाम रियाज रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज हम रियाज नाम के साथ जुड़ी हुई कुछ बुनियादी मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक रियाज की जानिब। रियाज की उर्दू इमला में जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं वह है रे, ये, अलिफ और ज़ाद, जबकि इंग्लिश में इसके स्पेलिंग आर आई ए जेड के साथ किए जाते हैं। जिनसी तौर पर रियाज नाम लड़कों के लिए मखसूस समझा जाता है। रियाज नाम के साथ जो दीगर नाम मिलाकर रखे जाते हैं, रियाजुल हसन, रियाज अहमद, मुहम्मद रियाज, रियाजुल हक, रियाज हसन, रियाज अली वगैरह। मजहबन ये एक मुस्लिम नेम है। हमारी रिसर्च के मुताबिक रियाज नाम का बुनियादी ताल्लुक अरेबिक जुबान से है। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक इसका खुशकिस्मत नंबर 3 को समझा जाता है। खुशकिस्मत अय्याम में वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे यानी बुध, जुमा और हफ्ता शामिल हैं। खुशकिस्मती के कलर्स में पीला, नीला और सफेद कलर शामिल हैं। खुशकिस्मती का पत्थर हीरा है और खुशकिस्मती की धात चांदी और तांबा। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक ये चीजें आपकी शख्सियत को बहुत ज्यादा मुतासर करती हैं, जबकि इस्लामी नुक्ता नजर से इन चीजों में ऐसी कोई खासियत नहीं पाई जाती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक रियाज नाम के मतलब की जानिब। तो रियाज का मतलब होता है बाग, बागीचा या बहुत सारे खेत और बाग। अगर आपका नाम रियाज है, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपको नेक, तंदुरुस्त, सेहतमंद, आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। और अगर आप अपने बेटे का नाम रियाज रखना चाहते हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक सालहे और फरमाबरदार बनाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए नाम की तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।